यीशु मसीह के नाम, प्रभु यीशु मसीह के नाम। उत्तर भारत के आत्मीय धड़कन शुरू करते हैं गॉस्पल सिंगर रियलिटी शो सेमीफाइनल राउंड पावर्ड बाय फेडरल बैंक, आपका अपना बैंकिंग पार्टनर, को पावर्ड बाय उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन, सपोर्टेड बाय रियान इंटरनेशनल एंड सेंट मेरीज चैंपियन स्कूल। और इस सुंदर परफॉर्मेंस के बाद चलते हैं और बुलाते हैं हमारी अगली कंटेस्टेंट को, जो कि आई है उड़ीसा से। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मुक्ति पाइक। चुप है ये चंदा, चुप है ये तारे, हाँ चुप है ये चंदा, चुप है ये तारे, जन्मा है जन्मा जन्मा मसीह, जन्मा है जन्मा जन्मा मसीह। रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, रात की खामोशी में,
जी की परफॉर्मेंस कैसी लगी? सबसे पहले वैशाली ताई आपसे जानना चाहेंगे, मुक्ति, यस मैम, आज तो हमको बिल्कुल ही अलग मुक्ति दिखाई दी, हमेशा से एकदम डिफरेंट, गाना भी एकदम अलग चुना और आज दिख भी तुम बिल्कुल अलग रही हो, बहरहाल बहुत प्यारी लग रही हो। और जहाँ तक आपके गीत का सवाल है, मुझे थोड़ा सा कम अच्छा लगा आज का आपका चॉइस जो आपने लिया, और सुर भी बहुत सारी जगह पे गए। आपसे हम बहुत अच्छी उम्मीदें करते हैं क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आपको बहुत प्रभु का आशीष मिला हुआ है और आपने बहुत अच्छा गाना चाहिए और गाना चुनना चाहिए, ऐसी हमारी आपसे उम्मीद है। और आपको आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके आज के परफॉर्मेंस के लिए मेरी तरफ से 6 points। थैंक यू सो मच वैशाली ताई। और अब हम जानना चाहेंगे प्रदीप सर आपसे। मुक्ति, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा है, आपने अच्छा गाया, कोशिश की, काफी इम्प्रोवाइज किया आपने इस गीत को, चुप है चंदा चुप है तारे, इसको एक अलग ढंग से इसको प्रेजेंट किया आपने, लेकिन जो ओरिजिनल है उसको थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही चेंज हो गया। लेकिन इसके साथ साथ कई जगह आपके, 2-3 जगह मैं समझता हूँ कि आपके सुर गए हैं, है ना, आप भी महसूस करती होंगी, तो खैर कोई बात नहीं है। जैसा कि मैम ने कहा कि आप कोई दूसरा गीत ले सकती थी, अच्छा रहता और बेटर कर सकती थी आप, लेकिन आप बहुत अच्छा करती हैं और अच्छा करेंगी, पूरी मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, प्रभु की कृपाएं हैं आपके साथ, और इन सब चीज़ों को सुधारते हुए, करेक्ट करते हुए आपको आगे बढ़ना है। और आज जो प्रस्तुति आपने दी है, इस प्रस्तुति के लिए मैं आपको ये नंबर देता हूँ, 7 points। थैंक यू प्रदीप सर। और अब चलते हैं और पूछते हैं दीपक सर से उनकी राय। हाँ मुक्ति जी, यस, बहुत बहुत बधाई हो आपको, थैंक यू, सेमीफाइनल राउंड में आने के लिए। और मैं कहूँगा व्हाट अ टोनर क्वालिटी, आपकी जो टोनर क्वालिटी है वो लाजवाब है। और मैंने एक चीज़ देखी है, तीसरी बार हम मिल रहे हैं, 3 बार में आपने 3 तरह के गाने गाए और आपने हमेशा अपनी जो टोनर क्वालिटी है, आपकी जो वॉइस क्वालिटी, उसको उस गाने के अकॉर्डिंग चेंज किया। ये बहुत सुंदर प्रभु की कृपा है आप पे कि आप गाने के अकॉर्डिंग अपनी वॉइस को, उसके स्टाइल को, उसके टेक्स्चर को आप चेंज कर लेती है। और आज भी आपने जो सॉफ्ट मेलोडी गाया,
उसके अकॉर्डिंग लग ही नहीं रहा था कि ये आप मुक्ति जी हैं जिन्होंने पहले फोक भी गाया है और क्लासिकल भी टच गाया है। बहुत प्यारा आपने, और इसमें आपने काफ़ी वेस्टर्न स्टाइल में इसको गाने की कोशिश की। मुझे आपका गाना बहुत अच्छा लगा, आपकी गायकी मुझे पसंद आई। लेकिन हाँ, सुर आपके शुरू से ही मिस हो रहे थे, जा रहे थे, तो आप प्लीज़ सुरों पर ध्यान दीजिएगा। और एक बात और कहना चाहूँगा, ये फादर चार्ल्स वास जी का गाना है, हम इसको बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी गाने में अपने आप को दिखाना या अपनी क्वालिटी या अपना स्टाइल दिखाना अच्छी बात है, लेकिन उसकी कंपोजिशन से अगर छेड़ नहीं की जाए तो ज़्यादा अच्छा है। उसी कंपोजिशन में रह के हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ओरिजिनलिटी मेंटेन कर। तो जो ओरिजिनलिटी थी गाने की, वो पूरे कंपोज ही चेंज हो गया। एक्चुअली ऐसा नहीं कह रहा हूँ आपने गलत गाया, आपने जो कंपोज गाया सुपर डुपर हिट था। अगर ये गाना शुरू से ऐसा होता ना तो और ज़्यादा अच्छा होता मैं कहूँगा। लेकिन हाँ, लेकिन जिसने भी इसको बनाया है, जिसने भी इसको सजाया है, उसका भी इसमें रूह बसता है, तो उसका भी ध्यान रख के ही हम करें। बाकी अदरवाइज मेरे साथ में बाप ने बहुत अच्छा गाया, सुरों का ध्यान रखिए, और थोड़ा हाई नोट्स आपके एक दो जगह गए थे तो उस पर आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा मेरी तरफ से। 7 points, थैंक यू दीपक सर। और अब हम जानना चाहेंगे हमारे स्पेशल गेस्ट फादर नॉबर्ट से कि उन्हें मुक्ति जी की परफॉर्मेंस कैसी लगी। मुक्ति जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, इसलिए कि ईश्वर ने आपको बहुत अच्छी आवाज़ दी है। आपका जो टोन है वो बड़ा खूबसूरत है और आप बहुत अच्छा गाती हैं। और आज की बात, इस गीत चुप है चंदा चुप है तारे जन्मा जन्मा वो प्रभु जन्मा, ये बहुत अच्छा गीत है। और मैं आपको बता दूं कि ये ओरिजिनल जो गीत है वो मेरे गुरु भाई फादर डॉक्टर चार्ल्स वास SVD के द्वारा रचित है। और मैं इस गीत को मैं बहुत समय से गाता हूं, जानता हूं, और आपने इस गीत को इम्प्रोवाइज़ किया। अच्छी बात है, इम्प्रोवाइज़ करना अच्छी बात है, लेकिन यदि वो हम इम्प्रोवाइज़ करते वो बेहतर नहीं बनता है तो वो ओरिजिनली अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं वो शब्दों में भी आपने कुछ एक दो कैसा है रात, ये कैसी है रात, वो थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा शब्दों पर, क्योंकि ये शब्द और संगीत और गीत लयकारी ये सब गायकी के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि हम एक संदेश दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर वातावरण इससे निर्मित हो रहा है ये गीत से, क्योंकि मैं जानता हूँ, इसके लेखक को भी जानता हूँ, उनके साथ मैं रह चुका हूँ, और ये रग रग में बसा है ये गीत, क्योंकि बहुत सारे हमारे हिंदुस्तानी भाई हमारे चर्चों में गाते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो इस बात से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएंगे कि आपने जो गाया है उसमें कहीं ना कहीं कोई चूक है। बहुत सारी त्रुटियाँ हैं गायन में, जैसे मेरे साथियों ने बताया, वैशाली ताई ने भी बताया, फिर भी मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि आप बहुत आगे बढ़ सकती हैं और इस संगीत के क्षेत्र में एक नया नाम बन सकती हैं। ईश्वर आपको खूब खूब आशीर्वाद दे, गॉड ब्लेस यू, और मेरी तरफ से 6 points, थैंक यू फादर। तो दोस्तों, मुक्ति जी की परफॉर्मेंस को हमारे जजेस की तरफ से मिले हैं 26 पॉइंट्स। कंग्रेचुलेशंस मुक्ति जी, आप सेमीफाइनल्स में हैं एंड हम प्रे करेंगे कि आप अगले राउंड में भी जरूर जाएं। थैंक यू सो मच। दर्शन का सोशल आउटरीच फीड अ फैमिली, आपका अमूल्य योगदान अब बन रहा
अनेकों घरों का उजियाला। आपका छोटा सा योगदान अब बन रहा सैकड़ों घरों का निवाला। कोविड से शुरू हुए इस कारवां का सदस्य बने, आत्मदर्शन के संग जुड़ें, मात्र 900 रुपए देकर इस भले कार्य में आपकी हिस्सेदारी निभाएं, आपके हिस्से की मुस्कान बांटें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 800-55-41-243 पर। साथ दें संग रहें, उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन। प्रभु का आनंद, यही है सच्चे जीवन का उत्तम उदाहरण। तो दोस्तों, आइए बुलाते हैं आज के पहले कंटेस्टेंट, जो कि आए हैं लखनऊ से। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सैमुअल मेसी का। आज वो पावन रात्रि है जब शब्द देहधारी हुआ और हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह ने बैतलहम नगर की एक गौशाली की चरनी में एक बालक के रूप में जन्म लिया और समस्त पृथ्वीवासियों ने उसका गुणगान किया। तो आइए हम भी अपना विश्वास प्रकट करते हुए उसका गुणगान करें। अब आओ विश्वासियों, जय जय करते आओ। अब आओ हम चले बैतलहम को, चरनी में देखो महिमा का राजा। अब आओ हम सराए, अब आओ हम सराए, अब आओ हम सराए क्रिस प्रभु को। आमीन। प्रभु धन्य हो, त्राण के लिए जन्मा है यीशु, हो तेरी अनंत महिमा। पिता का वचन देहधारी हुआ, अब आओ हम सराहे, अब आओ हम सराहे, अब आओ हम सराहे क्रिस प्रभु को। और जैसा कि वचन में लिखा है कि अचानक उस स्वर्गदूत के साथ और भी स्वर्गदूत उपस्थित हो गए और वो ये सब कहते हुए प्रभु की स्तुति करने लगे, स्वर्ग में परमेश्वर की जय हो और धरती पर उन लोगों को शांति मिले जिनसे वे प्रसन्न हैं। तो क्यों ना हम भी उन स्वर्गदूतों के साथ मिलकर
एक बार फिर से अपने प्रभु की स्तुति और उसका गुणगान करें। रातों की ठंडी हवाओं से आए फरिश्तों की मीठी आवाज पैदा हुआ मुक्ति दाता हमारा पैदा हुआ, तारण हारा हमारा पैदा हुआ। खामोश रातों की ठंडी हवाओं से आए फरिश्तों की मीठी आवाज पैदा हुआ मुक्ति दाता हमारा पैदा हुआ, तारण हारा हमारा पैदा हुआ। फरिश्तों ने आके जमीन पे गडरियों को दिया इशारा, पैदा हुआ है मुंजी जो मिलेगा तुम्हें एक गौशाला। फरिश्तों ने आके जमीन पे गडरियों को दिया इशारा, पैदा हुआ है मुंजी जो मिलेगा तुम्हें एक गौशाला। चरवाहों ने भी उसको सजदा किया, चरवाहों ने भी उसको सजदा किया। खामोश रातों की ठंडी हवाओं से आए फरिश्तों की मीठी आवाज पैदा हुआ मुक्ति दाता हमारा पैदा हुआ, तारण हारा हमारा पैदा हुआ। और जब चरवाहों ने हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह को उस चरनी में लेटा हुआ पाया तो वे इतना खुश हो गए, वे नाचने लगे, वो झूमने लगे और पूरे बैतलहम नगर में सभी को ये शुभ संदेश सुनाने लगे कि आज हमारे मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। तो आए बार फिर मिलकर उसका गुणगान करें। शोर मचाओ रे बैतलहम में जन्मा है यीशु, सबको बताओ रे। झूमो रे नाचो रे गाओ रे साथी रे शोर मचाओ रे, बैतलहम में जन्मा है यीशु, सबको बताओ रे। आ गया कर आधार दुनिया में आया है प्यार, मन में खुशियां पाकर प्रभु का प्यार। सृष्टि का बन कर आधार दुनिया में आया है प्यार, मन में खुशियां पा
पाकर प्रभु का प्यार झूमोर नाचोर गाओर साथिर शोर मचाओ रे बैतलहम में जन्मा यीशु सबको बताओ रे झूमोर नाचोर गाओर साथिर शोर मचाओ रे बैतलहम में जन्मा यीशु सबको बताओ रे आ गया आ गया आ गया आ गया संगाओगान जन्मा है मुंजी महान जग का वही है दान उसका करो सम्मान दूतों के संगाओगान जन्मा है मुंजी महान जग का वही है दान उसका करो सम्मान झूमर नाचोर गाओर साथिर शोर मचाओ रे बैतलहम में जन्मा है यीशु सबको बताओ रे झूमर नाचोर गाओर साथिर शोर मचाओ रे बैतलहम में जन्मा है यीशु सबको बताओ रे आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया Samuel, congratulations, आप सेमीफाइनल्स में हैं. थैंक यू. आई लव द वे यू परफॉर्म्ड. जैसे एक स्टोरी थी आपके ये मेडले में. जी. सो आई लाइक इट. अब लेट्स सी जजेस का क्या कहना है आपकी परफॉर्मेंस के बारे में. सबसे पहले प्रदीप सर, हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी क्या राय है सैमुअल के परफॉर्मेंस के बारे में. सैमुअल, आपको बहुत बहुत बधाई हो. आप सेमीफाइनल में हैं. ये बहुत ही खुशी की बात है और बहुत अच्छी बात है. आपने एक अलग तरीके का गीत प्रस्तुत किया जो इसमें कुछ कहानी भी है, प्रभु यीशु के जन्म की कहानी. बहुत अच्छा लगा. और आज आपने जो गाया है, जो परफॉर्मेंस दी है, उसके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ. कई बार आप स्वरों से हट गए, आपको लगा? जी, कई जगह तो स्वरों पर ध्यान देना है आपको. मैं सबसे बोल रहा हूँ, जितने भी यहाँ पर कंटेस्टेंट आ रहे हैं उन सबको मैं ये बात कह रहा हूँ, कहना पड़ रहा है. और आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, आप सेमीफाइनल में हैं, आपको फाइनल की तैयारी करके आनी चाहिए. कोई बात नहीं, लेकिन उम्मीद और थी. और अभी के इस परफॉर्मेंस के लिए मैं आपको ये नंबर देता हूँ. 7 points. थैंक यू सो मच प्रदीप सर. वैशाली ताई, हम आपसे जानना चाहेंगे. सैमुअल, आज आपने जो एक मेडले बनाकर गाया वो प्रयोग मुझे अच्छा लगा और उसमें थोड़ा रोचक हुआ वो परफॉर्मेंस, और इसलिए सुनने में मज़ा भी आ रहा था. थोड़े सुर जब सेकंड गाने में आए तब आप गए थे आपके, और मैं बस इतना बोलूँगी कि आगे के लिए हम बहुत अच्छी कामनाएं करते हैं और आपको ऑल द बेस्ट. थैंक यू. 7 points. थैंक यू वैशाली ताई. फादर नॉबर्ट, प्लीज आप बताएं. सैमुअल जी, आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाइयाँ. थैंक यू. और आपने कुछ हटके गाया है आज, और संदेश बहुत स्पष्ट था, यीशु के जन्म की कहानियाँ और उनका आने का उद्देश्य बहुत स्पष्ट था. लेकिन संगीत की तरफ जाएं तो मुझे लगता है कि आप
कुछ स्वरों में भटक गए, जो आपने मुर्कियाँ ली और बीच में जो ठहराव नहीं लगा तो सुर छूटते गए कहीं नहीं कहीं, वो कमी बड़ी खली, लेकिन आपका परफॉर्मेंस अच्छा था जी, जो प्रयोग किया आपने। और मेरे जो साथियों ने कहा कि ये सही है कि आपको एक साधना करनी पड़ेगी, स्वरों का रियाज करना पड़ेगा, तभी आप ये दोनों का साहित्य और संगीत में परिपक्व बन पाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा मंच आपको मिला है जहाँ से आप आगे बढ़ सकते हैं या वहीं ठहराव कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, और ये आपके लिए 6 points। थैंक यू सो मच फादर। और आइए चलते हैं और पूछते हैं दीपक सर से उनकी राय। सहमल भाई, बहुत खुशी हुई आपको देख के एक बार और यहाँ पे जी। आपको बहुत बहुत बधाई हो, थैंक यू, सेमीफाइनल में आने के लिए। और जैसे ही मैं आपको पहले भी सुनता आया हूँ और अभी भी सुना है, तो काफ़ी इम्प्रूव आपने किया है, और जो आपने जैसे सब बता रहे हैं प्रयोग किया, कोई अच्छा प्रयोग था आपका मेडले का। सारे जो भी आपने गाने लिए सब मुझे पसंद आए, आपके जो चॉइस ऑफ सॉन्ग्स थे वो बहुत ही बढ़िया था, अच्छा सिलेक्शन था आपका सॉन्ग्स का, थैंक यू, अच्छा पिच था आपका, आपने उसको निभाया भी, सुंदरता से गाया भी। और अगर इन सब आपका कॉन्फिडेंस लेवल मुझे बहुत पसंद आया, पूरे आपने स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक उसको बना के रखा, आपने बिगड़ने दिया, अपने एक्सप्रेशन को आपने बना के रखा, पूरे बॉडी लैंग्वेज को आपने शानदार शुरू से लेकर लास्ट तक, बीच बीच में जब आपने बोला वो इतना सुंदर आपकी आवाज़ में लग रहा था, बड़ा मज़ा आ रहा था सुनने में, अच्छी परफॉर्मेंस थी आपकी, थैंक यू सर। लेकिन इन सबको साइड में रख के अगर केवल शुरू पे बात की जाए तो वहाँ बहुत कमी खली। मुझे आप शुरू से ही सुर में वीक लगे, जब आपने स्टार्ट किया तब से लेकर लास्ट तक बार बार आप सुर से जा रहे थे आ रहे थे। स्पेशली आपका जो शिवरिंग का मैंने पहले ही बताया था, आपका कई जगह शिविर करता है वॉइस, उसके वजह से आपके सुर चल जाते हैं भाई, स्पेशली नीचे के सुर आपके कम लगे, ठहराव कम था। दूसरा, आप मैंने आपको पहले भी कहा था, जब भी आप फिनिश करते हैं गाने की किसी लाइन को तो पूरा लास्ट तक छोड़ें, आप बीच में छोड़ देते हैं, तो उसके वजह से भी आपके सुर जाते हैं और फिर गाना सुंदर नहीं लगता। तो प्लीज़ आप बुरा मत मानिएगा और इन बातों को ध्यान में रखिएगा, ये आपके अच्छे के लिए है कि आप नेक्स्ट टाइम यहाँ करें या कहीं भी करें, अच्छा सा परफॉर्म करें और अच्छे से गाएं। ईश्वर आपको इस्तेमाल अभी भी कर रही है और आगे भी इस्तेमाल करें, और क्यों ना हम प्रभु के लिए बहुत सुंदरता से अच्छे से तैयारी के साथ इस्तेमाल हो जाएं। तो बस इसी आशा के साथ मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आपके लिए, थैंक यू। 6 points, थैंक यू सो मच दीपक सर। तो सैमुअल के परफॉर्मेंस को हमारे जजेस की तरफ से मिले हैं 26 पॉइंट्स। थैंक यू सो मच सैमुअल। थैंक यू। स्पॉन्सर अ प्रोग्राम इन आत्मदर्शन। प्रभु की सेविकाई को आगे बढ़ाने है आपकी जरूरत, आत्मदर्शन के कोई भी प्रोग्राम को स्पॉन्सर करें और इस सेविकाई को आगे बढ़ाएं। होली मास स्पॉन्सरशिप एट ₹10,000, अडोरेशन स्पॉन्सरशिप एट ₹10,000, क्रिएटिव एपिसोड्स विद कस्टमाइज्ड एडवर्टीजमेंट एट ₹20,000। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 800-55-41-24-3 पर। साथ दें, संग जुड़ें, उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन।
आत्मदर्शन का सोशल आउटरीच फीड अ फैमिली। आपका अमूल्य योगदान अब बन रहा अनेकों घरों का उजियाला। आपका छोटा सा योगदान अब बन रहा सैकड़ों घरों का निवाला। कोविड से शुरू हुए इस कारवां का सदस्य बने, आत्मदर्शन के संग जुड़ें, मात्र 900 रुपए देकर इस भले कार्य में आपकी हिस्सेदारी निभाएं, आपके हिस्से की मुस्कान बांटें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 800-55-41-243 पर। साथ दें, संग रहें, उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन।